हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विमला। मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूं, अगर आप सभी को वो पसंद आए तो प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल विधान किचन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज आप तक पहुँचे। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो इंदौर की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, जो वर्ल्ड फेमस है, आलू कचौरी। इंदौर की आलू कचौरी बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ इंदौर की आलू कचौरी। तो उसके लिए पहले हम डो रेडी करेंगे। तो कचौरी का डो जो है बहुत सिंपल तरीके से रेडी होता है। इसमें और कुछ भी नहीं जाता है, ना ही आपका अजवाइन जाएगा, ना ही आपकी कलौंजी जाएगा। यहाँ पे जाएगा चुटकी भर नमक और मोयन। मोयन बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल खस्ता कचौरियां बनेंगी हमारी। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मैदे में नमक और तेल डाला है मैंने मोयन के लिए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मोयन डालना बहुत जरूरी है, तभी हमारी खस्ता कचौरियां बनेंगी। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है फ्रेंड्स, एक बार जरूर इंदौर के तरीके से कचौरी बनाकर देखिएगा। मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इस तरह से क्रम्बल्स बंधने लगे हैं। अब हम धीरे धीरे पानी डाल के एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, बिल्कुल जैसे रोटी का आटा आप गूंदते हैं रोटी के लिए, वैसे ही इसमें गूंदना है। बहुत टाइट नहीं रखना है, जैसे समोसे का रहता है वैसा नहीं रखना है। कचौरी के लिए जो मैदा हम गूंदते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है फ्रेंड्स, बहुत टाइट नहीं गूंदा जाता है। तो कचौरी का डो हमारा रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। तब तक मैं आलू मसाला रेडी करती हूँ। इंदौरी आलू कचौरी के लिए मैंने उबला हुआ आलू लिया है, जो कि आलू मसाला रेडी करने के लिए है। तो इसमें जाएगा भुना हुआ जीरा, मैंने क्रश्ड कर लिया है, तो ये भुना हुआ जीरा है। फिर जाएगा इसमें काली मिर्च जो कि कूटा हुआ है। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, नमक ज्यादा नहीं रखना है, बहुत हल्का नमक होता है इंदौरी आलू कचौरी में। हरी कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती। हींग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, हींग बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कचौरी का आलू मसाला रेडी हो गया है, तो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं हमें, जितनी हमें स्टफिंग भरनी है और जितना इजी रहे ताकि कचौरी हमारी फटे ना। इस तरह से मैं छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ आलू मसाला के। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरा चैनल विधान किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के लिए। मैं इसी तरह से इंदौर के स्वादिष्ट व्यंजन रेसिपीज लाती रहूंगी। आलू मसाला भी रेडी है और कचौरी का डो भी रेडी है, तो अब मैं छोटी छोटी लोइयां लेती हूँ जिससे हमें कचौरी बनानी है। इतनी बड़ी बॉल हमें लेनी है, छोटा सा, बस इसे हाथों से इस तरह से करना है और अंगूठे की हेल्प से इसे अंगूठे की हेल्प से ये जो किनारे किनारे हैं इसके जिसको हमें पतला करते जाना है। बीच में पतला नहीं करना है,
बिल्कुल किनारों को हमें पतला करना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूं। अब बीच में लोई लेंगे आलू मसाला और इसे इस तरह से करते हुए अंगूठी की हेल्प से भर देंगे स्टफिंग। अच्छे तरीके से दबाना है हमें, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये जो जॉइंट है इसे इस हथेली की सहायता से इसे ऐसे दबा देना है। इस तरह से हमारी कचौरी रेडी है। इसी तरह से मैं सारी कचौरी रेडी कर लूंगी। इसी तरह से हमें सारी कचौरियां रेडी कर लेनी है, अच्छे तरीके से दबा देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कचौरियां बना ली हैं, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और ऑयल हमें बहुत गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का गुनगुना ऑयल हमें चाहिए, तभी हम इस कचौरी को इसमें डिप कर देंगे। ये आप बबल्स देख रहे हैं हल्के हल्के, बस तभी हमें कचौरियों को डाल देना है। जितनी कचौरियां आएंगी उतनी हम डाल देंगे। इसे हमें तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक ये एक साइड से पक नहीं जाता है। जब ये एक साइड से थोड़ा पक जाएगा तो हम इसे पलटाएंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह से हमें पकाना है ताकि कचौरियां हमारी बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रंची कचौरियां बने। फ्रेंड्स, कचौरियां जो हैं अब लगभग फूल गई हैं और नीचे की साइड में लगभग पक गया है, तो हम इन्हें पलट देंगे क्योंकि हमें इन्हें क्रिस्पी होने तक अलट पलट कर पकाना है। तो बहुत ही आराम से हम इन्हें पलटेंगे। कढ़ाई में स्पेस नहीं था तो मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो हम इन सारी कचौरियों को इसी तरह से लो फ्लेम पे अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, कचौरियों को तलने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत टाइम लगता है, तभी ये हमारी खस्ता क्रिस्पी कचौरियां रेडी होती हैं। फ्रेंड्स, कचौरियां बहुत क्रिस्पी हो गई हैं और इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी कचौरियां हो गई हैं और बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब सारी कचौरियां हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सारी कचौरियां रेडी हो गई हैं, तो अब मैं इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ बिल्कुल इंदौरियन स्टाइल में। इसे हम अच्छी तरह से तोड़ देते हैं। देखिए बहुत ही खस्ता कचौरी है।
इसपे मैं डालूंगी हरी चटनी, थोड़ा सा खट्टी मीठी इमली की चटनी, और ये है प्याज। और एक हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स हमारी कचौरियां रेडी है। ये इंदौरियन आलू कचौरी आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज विदान किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर लेकर आऊंगी नई रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय।